फैसलाबाद पंजाब कॉलेज के तुलबा तुलबात ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम का इनाकाद किया, जिसमें पॉप क्लासिकल म्यूजिक समेत पंजाबी सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ थीम के जरिए तुलबा तुलबात को आगाही दी गई। तुलबा तुलबात ने पाकिस्तानी गायक समेत म्यूजिक में इस्तेमाल होने वाले आलात के बारे में आगाही दी। जैसा वाकई म्यूजिक में हमें कोई नहीं मिल सकता, वो अपनी मिसाल आप हैं, और इसके अलावा क्लासिकल को लेके चलने वाले ही आगे वो हैं। उनके बाद अगर हम कह सकते हैं तो मेहदी हसन है, लेकिन उसकी नुसरत फतेह अली खान की कोई मिसाल नहीं है। क्लासिक से स्टार्ट हुए पाकिस्तान में जो पॉप कल्चर है वो 80s के अंदर, लेट 80s और अर्ली 90s के अंदर आया। उसके बाद जो है रेडियो से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हम एक्चुअली ओरिजिन वहाँ से आप क्लासिक से स्टार्ट किया आपने, अब आहिस्ता आहिस्ता हम रेडियो स्पीकर्स वगैरह इस तरह से हमारा पॉप कल्चर जो है 90s के अंदर पहुँचा। उसके बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके साथ ही हम फर्दर जो है हम सीडीज की तरफ चले गए, वायलिन की तरफ चले गए, गिटार की तरफ चले गए। इस तरह जिद्दत से जिद्दत जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे इसके अंदर जिद्दत आती गई, तो पाकिस्तान भी यूरोप के साथ वो काफ़ी हद तक हमारे पॉप कल्चर जो है पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो चुका है। आपने वहाँ पे देखा क्लासिकल का था, वो सारे जो थे वो हैंड इंस्ट्रूमेंट्स थे और वो मैनुअल होते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनसे डेवलपमेंट हुई, चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिकल की तरफ चलती गई, तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं गिटार्स वगैरह रॉक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। तो उस लिहाज से जो है फिर हमने दो का कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, क्लासिकल का और पॉप का। पॉप की अगर बात करें पाकिस्तान में जो पॉप कल्चर था, जैसे कि इसका नाम रेट्रोवीन है इवेंट का नाम, तो यानी पुराना जो पॉप था उसमें अगर हम कुछ स्टार्स की बात करें तो आलमगीर थे, जुहैब हसन थे, नाजिया हसन थी, तो हमने उनको जो है वो उनके म्यूज़िक को जो है वो ट्रिब्यूट देने के लिए सारा सेटअप किया। तुलबात का कहना था सकाफती प्रोग्राम का मकसद अपनी सकाफत को जिंदा रखना है, जिसे वक्त के साथ साथ हम भूलते जा रहे हैं। डेकोरेट जो लग किया जाता था और जो दुल्हन थी उसको उस झूले में बिठाया जाता था, और ये पुरानी सकाफत को जाहिर करता है, इसलिए हमें आज के दौर में भी इस सकाफत को ज़िंदा रखना चाहिए, और इससे हमारा पंजाबी कल्चर शो होता है, और आजकल जो हम ट्रेंड ले आए हैं उसको नहीं बरकरार रखना चाहिए। तो जो है खवातीन आया करती थी गाँव से अपने सर पे मटके रख के और उसमें से पानी निकाला करती थी, लेकिन चूंकि अब बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल मशीन भी आ चुकी है, उसकी वजह से कुओं का जो निज़ाम है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम अपने कल्चर को दोबारा से रिमाइंड करवाने के लिए एक जो है ना मॉडल पेश किया है। लोग इकट्ठे रहते थे उस वक्त, एक ही जो होता था रूम होता था, उसके अंदर हमने एक साथ चाय पीनी, एक साथ गप्पे मारनी। आजकल ये नहीं है, हर एक का अपना अपना एक रूम है, वहाँ पर वो होते हैं इकट्ठे, और कोई ऐसी जो हमारा पंजाबी कल्चर जा रहा है हम उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं, तो इसलिए हमें अपना पंजाबी कल्चर को दोबारा लाने के लिए हमें ये इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा कल्चर ज़िंदा रहे। ये हमारा जो इस वक्त थीम है वो विलेज थीम है, विलेज का मतलब हम अपना गांव का जो देसी माहौल है वो सारा करें, यू नो कि गांव का माहौल बिल्कुल प्योर होता है। आप जानते हैं कि गांव के माहौल से ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं। यहां पर आप देखेंगे यहां पर हमारी पंचायत भी होगी, हमने ट्यूबवेल या इवन के हमने जानवर भी यहां पर रखे हैं, लोग यहां पर बहुत ज़्यादा पिक्स बना रहे हैं अपने, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, आप देखिएगा इसका रिजल्ट एक्सीलेंट होगा। जी मैं अपनी किस्मत का हाल जानने आई हूँ कि उसके जो लास्ट जो सारे एराज गुजरे हैं उसमें क्या कल्चर था, उसमें क्या डायलॉग्स यूज़ होते थे, उनका रहन सहन क्या था। लालटेन लगाने का मकसद यहाँ पे अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना है। जहाँ भी कल्चर शो कराएगी जो हमारा पुराना जमाना था, आजकल तो लोग इतने एडवांस हो चुके हैं, लेकिन उनको दिखाना हम लोग ये चाह रहे हैं कि पहले हमारा इस तरह का था बहुत अच्छा होता था, एक मज़ा आता था, सब घुल मिल के बैठते थे, लेकिन आजकल लोग मॉडर्न सी में आ गए हैं, अलग अलग होकर अपना अपना करते हैं, तो ये हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि ये पंजाबी कल्चर भी बहुत अच्छा था और इस तरह रहना चाहिए। ये ऐसे शोज़ होने चाहिए बच्चों को अपना कल्चर पता चलना चाहिए, जो हमारे पेरेंट्स के जो हमें इनहेरिटेंस में मिला है, ये हमें ऐसे शोज़ जो होते हैं हमें बताते हैं कि हमें कैसा हमारा कल्चर है, और हमें इसको मतलब शो करके ही हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हर यूनि में बच्चों का, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। ये नहीं कि हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं स्टडी से हटके, नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए बच्चों का माइंड लेवल और कॉन्फिडेंस। रेट्रोविन चल रहा है तो हमने यहाँ ड्राइवर होटल बनाया है, जैसे मेनली डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ से जो पैसेंजर्स हैं वो आके हमारे पास चाय पी सकते हैं, और ये सारी सौगात पुराने ज़माने की खताइयाँ डिसेंडेंट ये सारा हम डिस्प्ले कर रहे हैं। हमें बेसिकली हमें सबसे पहले अपनी फैमिली को, जिस तरह हम पिछले ज़माने में इकट्ठे बैठ के एक पंचायत होती थी, एक ड्राइवर होटल होता था, बैठ के पीते थे, अब फिर हमें दोबारा वही चीज़ें वापस ना लीजिए। इस काफ़ती प्रोग्राम में तुलबा तुलबात ने गांव की सकाफत के हवाले से आगाह किया। जो अपनाइत है इसमें जो खलूस है और जो रियलिटी इसके अंदर है वो मशीन्स के अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो मज़ा हमें इससे मिलता है और जो जायका इसका है
जो देसी इसकी जो है क्वालिटी वो आजकल में नहीं है, वो जिस मर्जी मशीन आप ले लो उसमें नहीं मिलेगी आप जी। कहते पेंट का स्वाद तो अपना ही है, आप हत्था नाल सारे काम होंगे सके, दुध चोना आप सारा कुछ अपनी हत्था के नाल जिन्ना चोईया ठीक है उन्होंने खादिया, फिर उस बाद अपने हत्था के नाल चारपियाँ बुननिया उ सब माहौल हों, चरखे अपने सूटा जोड़े सूट जोड़े होंगे सी अपने हत्था ने धागा सी के फिर उन्होंने करते होंगे सके बिचे बकरियां बिचे टूबल सारे मेहनत मजदूरी वाले सारे बंदे से कोल में। इस काफ्ती प्रोग्राम का मकसद अपनी सकाफत को जिंदा रखना है। तुलबा तुलबात का कहना था सकाफत को जिंदा रखने के लिए सरकारी सतह पर ऐसे प्रोग्राम का इनाकाद होना चाहिए ताकि हमारी नस्ल में अपनी सकाफत को प्रमोट किया जा सके। कैमरा टीम के साथ आसिफ मुख्तार, 64 न्यूज़, फैसलाबाद।